भारत विकास परिषद द्वारा आज तुलसी पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन जुलाना के आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में किया गया। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि विद्यार्थियों व संस्था के सदस्यों द्वारा तुलसी पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों सहित विद्यालय के शिक्षकों ने तुलसी के महत्व पर चर्चा की और कार्यक्रम में तुलसी के महत्व के बारे में बताया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस दौरान सभी विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि वह अपने घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएंगे। पूनम मैम हो गया, आप कर लो जी। वेरी गुड। ये देखिए भाई, तुलसी दिवस पर विशेष कार्यक्रम किया गया है जुलाना के निजी स्कूल में, आप देख सकते हैं। थाली उठा लो अपनी, देख सकते हैं। शेयर करते रहो भाई, जितने भाई देख रहे हो शेयर करो। थोड़ा श्रृंगार किया तुलसी मैया ने, देखिए भाई श्रृंगार किया है तुलसी मैया को, सजाया गया इनके द्वारा। और यहाँ पर उनको प्राइज भी अभी दिया जा रहा है, 250 रुपये प्राइज दिया है भारत विकास परिषद शाखा जुलाना के द्वारा। आज हमारे स्कूल में 25 दिसंबर पर हम मानते हैं कि जो हमारे प्राचीन काल से हमारी जो संस्कृति रही है, हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं और जैसे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, शुरू से ही उनको पूजना शुरू किया हमने हड़प्पा सभ्यता से ही। और हमारी कुछ अंग्रेज़ों के आने के बाद हम अपनी सभ्यता को भूल गए थे, क्योंकि उन्होंने हमारे मन में ये बात डाल दी थी कि हमारी सभ्यता जो हीन है और हमारे अंदर हीन भावना भर गई थी। लेकिन 2014 से दोबारा से हमारे कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने और इसके अलावा कुछ संतों ने दोबारा से हमारी संस्कृति के लिए 25 दिसंबर को क्रिसमस डे ना होकर के तुलसी दिवस के रूप में मनाने के बारे में सोचा। और ये उनकी सोच बहुत अच्छी थी, क्योंकि व्यक्ति जब तक अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है तब तक उसका अस्तित्व होता है। अगर एक पेड़ जड़ छोड़ दे तो वो मुरझा जाता है, उसका अस्तित्व नहीं रहता। उसी प्रकार से हमें अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए। और इस प्रकार से 2014 से हर साल तुलसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारे स्कूल में पहली बार ये कॉम्पिटिशन हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको लेकर के, क्योंकि कुछ सीखने को मिला हमें, इससे पहले इसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी, ताकि हम भी अपनी संस्कृति का हिस्सा बने, अपना योगदान दें।
घर है, हमने ना तुलसी पूजन रख रखा है स्कूल में, जो तुलसी को सजा रही है लड़कियाँ और टीचर्स मिलके जो है उसको दिया लगाएंगे हम। सनातन धर्म में तुलसी का बहुत ज़्यादा महत्व है, तुलसी और पीपल के पेड़ की जो है पूजा की जाती है। और इसी तहज पर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो है भारतीय की तरफ से जो है तुलसी पूजन की हमने व्यवस्था रख रखी है, जिसमें तीन हाउसेस हैं हमारे, केके शिखर है, गंगा हाउस है, हाउस है, ये तीनों हाउसेज जो है मिलकर जो है बहुत अच्छे से तुलसियाँ सजा रहे हैं। बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, दीप प्रज्वलित हम लोग जो है इसमें करके जाएंगे, दीप प्रज्वलित किए, रंगोली बनाई है और तुलसी को डेकोरेट भी किया है। जो अपने अपने सनातन धर्म में इसकी महत्वता को हम बच्चों को भी समझाना चाहते हैं, ताकि जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसकी इम्पोर्टेंस बताते हैं। हमने सुना अपने पूर्वजों से कि तुलसी का हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है, या हमारे रोज़मर्रा में हमें काम आने वाली औषधि है ये एक प्रकार से, तो इसकी हमें पूजा भी करनी चाहिए, न कि किसी और चीज़ में हम ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तुलसी दिवस मनाया जा रहा है और हमने आदर्श स्कूल में तुलसी डेकोरेट किया है, उसमें प्रोग्राम करवा रहे हैं और सभी तीन हाउसेज है हमारे स्कूल में, तीनों ने तुलसी डेकोरेट किया है और हम तुलसी को अपना पूरा डे की बजाय तुलसी डे मना रहे हैं। हम अपने बच्चों को तुलसी के बारे में बता रहे हैं कि तुलसी हमारे लिए कितनी उपयोगी है, तुलसी से अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती हैं और हम हिंदू लोग तुलसी को माता के रूप में पूजते हैं। तो हमारे हाउसेज स्कूल के वो अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं और हमने अच्छे प्रकार से तैयारी भी की है और हम भगत सिंह हाउस से बिलोंग करते हैं, हमें पूरे जी जान से तुलसी की डेकोरेशन की है, आगे देखने क्या है। आज हम तुलसी दिवस मना रहे हैं, इसमें हमें सभी को पता है कि भी तुलसी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। हम हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं, फिर भी हम जैसे अपना तुलसी दिवस मना रहे हैं, अपना ये हमारा त्यौहार है, हम इसे माँ की तरह मानते हैं, इसीलिए हमने आज अपने स्कूल में तीन हाउसेज हमारे, हमने तीनों ने अलग अलग तुलसी के लिए अलग अलग तुलसियों को डेकोरेट किया है, उन्हें सजाया, उनकी पूजा के लिए हम तैयारी की है। जुराना द्वारा ये आज तुलसी पूजन कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं चल रहा है, और इसी के साथ साथ हमने बच्चियों को क्या HB यानी कि होमोग्लोबिन टेस्ट करने का एक साथ साथ ये निर्णय लिया था। इसमें क्या हुआ कि जैसे बच्चियों में अक्सर ब्लड की कमी होती है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हम चाहे कितने अस्पष्ट दिखते हैं लेकिन हमारे अंदर सबसे बड़ी जो कमी है वो हमारा HB कम होना। हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं देते, खान पान पर ध्यान उनको दिलवाना, भाई हमें क्या घरेलू वस्तुएं जो हमारी रसोई में ही उपलब्ध हैं हमें वे खानी चाहिए, जिससे हमारा HB बढ़े, हम स्वस्थ हों, हमारा स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग ही स्वस्थ समाज की कामना करते हैं हम। तो इसी कड़ी में हमने सभी का अभी ये टेस्ट चल रहा है, हमारा इरादा है कम से कम स्कूल की सभी बच्चियों को ये जो आज स्कूल में चल रहा है इसका बच्चियों का टेस्ट कराएँ, HB टेस्ट करें और आगे इनको समझाएं कि कैसे हमने अपना HB, जैसे भारतीय विकास परिषद का मुख्य काम है भाई हम रक्तदान कैंप लगाते हैं, हमने 45 रक्तदान कैंप लगाए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे युवा जो बहुत हेल्दी हैं, हमारी माताएं बहनें जो उसमें ब्लड देने के लिए आती हैं, वो देखती हैं कि उनका HB बहुत कम है, तो हम उन्हें समझाते हैं कि हम अपना HB अपने खान पान के जरिए बहुत ही कम पैसे में हम जो अच्छा खान पान जैसे गुड़ चना भुगड़े हैं ये और कुछ खाद्यान्न सामग्रियां हैं ये खा के हम अपना कैचे HB चेक कर सकते हैं। और पौधों में तुलसी माता को सर्वश्रेष्ठ स्थान है, पशुओं में गौ माता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों से अनुरोध करेंगे कि आज के दिन ये 25 दिसंबर के दिन आप तुलसी पूजन करें, अवश्य करें। धन्यवाद। आज ये भारतीय विकास परिषद शाखा दुलाना के द्वारा आदर्श प्राथमिक विद्यालय साधन दुलाना में तुलसी पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि हम सभी अक्सर बात करते रहते हैं कि हमारे समाज से जो संस्कार हैं वो खत्म होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें गलती हमारी है कि हम वो संस्कार अपने बच्चों में आगे नहीं दे पा रहे हैं। तो इसी कड़ी में ये भारतीय विकास परिषद जो है इसका एक सूत्र संस्कार भी है, उसी को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम रखे गए हैं। पूजन दिवस पर भारत विकास परिषद द्वारा आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल में तुलसी पूजा का एक कार्यक्रम किया गया है और इसी के तहत छोटी छोटी बच्चियों का जो ब्लड चेकअप का एक कैंप भी लगाया गया है, उसमें बच्चियों के अंदर खून की मात्रा कितनी है
उसके तहत उनको इसकी जानकारी दी गई है और खून को किस प्रकार हम वृद्धि कर सकते हैं व्यायाम के द्वारा या हरी सब्जियां खा करके, इस तरह के टिप्स भी इस कैंप के माध्यम से छोटी छोटी बच्चियों को दिए हैं ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें और परिवार को भी आगे बता सकें कि किस प्रकार हम अपने खून को स्वस्थ और ज़्यादा अपने शरीर में कर सकते हैं। और आज तुलसी पूजन दिवस का जो कार्यक्रम है, ये प्राचार्य हमारी जो आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य है अंतिमा भारद्वाज, उनके नेतृत्व में ये किया गया। हम उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो हर विद्यालय में और हर सामाजिक संस्था द्वारा किए जाने चाहिए ताकि हमारी जो परंपराएं हैं उनको कभी भुला ना सकें। आज ये भारत विकास परिषद शाखा जुलाना ने तुलसी पूजन का कार्यक्रम और इसके साथ साथ ब्लड जो जांच है उसका जो हमें कार्यक्रम रखा था, ब्लड जांच यहाँ साइड में चल रही है, बच्चे में जो खून की कमी है उसकी पूर्ति के लिए उनको पौष्टिक पदार्थ गुड़ चना इत्यादि बांटे जाएंगे, हलवा इत्यादि बांटा जाएगा। और तुलसी पूजन में, क्योंकि तुलसी हिंदू धर्म का एक धार्मिक प्रतीक है तुलसी, इसके साथ साथ औषधि पौधा है तुलसी, तुलसी के पूजन से न केवल संस्कार जो हमें आते हैं बल्कि इनके साथ साथ यश सौंदर्य की भी वृद्धि होती है। तो हमारे सनातन धर्म में तुलसी को माँ का रूप दिया गया है और आज हम इस श्यामा तुलसी दिवस पर सभी माँ का पूजन करते हैं और उनसे आशीष मांगते हैं कि वे हमेशा उनकी तरह हर व्यक्ति हरा भरा रहे और खुशहाली रहे।